और बेटा गौरव, कैसी चल रही तेरी पढ़ाई? हाँ पापा जी, पढ़ाई तो एकदम बढ़िया चल रही है। तो नीतू बेटा, तेरी कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है पापा। वैसे पापा जी, आपको कुछ याद भी है या नहीं? याद? क्या हुआ? पापा जी, तुम हर बार भूल जाते हो मुझे आपसे बात नहीं करनी। अरे लेकिन बेटा, हुआ क्या है? क्या भूल जाता हूँ मैं? अरे पिताजी, मेरा बर्थडे आ रहा है, आपको याद नहीं है? अरे वो तेरा जन्मदिन तो मुझे याद था, बस वो दिमाग से निकल गया। वो घर के काम में इतना बिजी रहता हूँ ना, तो ये सब याद ही नहीं रहता। हाँ वैसे भी मेरा बर्थडे क्यों याद रहेगा आपको? कैसी बात कर रहे हैं पागल? हाँ वैसे क्या गिफ्ट दे रहे हो मुझको आप मेरे बर्थडे पर? जो मेरा बेटा मांगे वो। बता क्या चाहिए तुझे? सच में? हाँ हाँ सच में। जो मैं मांगूंगा वो आप मुझको ला कर दोगे? कोशिश करूंगा। नहीं कोशिश नहीं, आपको मुझसे वादा करना होगा कि जो मैं मांगूंगा वो आपको लाकर देना होगा। ओके बेटा, तेरा बाप तुझसे वादा करता है कि जो मेरा बेटा मांगेगा मैं वो लाकर दूंगा। अब बता क्या चाहिए तुझे? तो ठीक है पापा जी, मुझे माँ चाहिए। बताओ लाकर दोगे ना मुझे? बेटा ये कैसा अटपटा तोहफा मांगा है तूने? तेरी माँ तो बचपन में ही छोड़ के जा चुकी थी, और जो इंसान एक बार चला जाता है ना छोड़कर, वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। पापा जी ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप दूसरी शादी भी तो कर सकते हो ना? बेटा तू पागल हो गया? मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। पापा जी प्लीज, मेरे लिए, आपको तो पता है मेरे पैदा होते ही मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो पिताजी मैं चाहता हूँ, जो प्यार मुझे वो माँ नहीं दे पाई, तो मैं चाहता हूँ आप दूसरी शादी कर लो ताकि हमें माँ का प्यार मिल सके। नहीं बेटा, जो तू मांग रहा है वो मैं तुझे नहीं दे सकता। पापा जी मान लीजिए ना गौरव की बात, गौरव ठीक तो कह रहा है, आप दूसरी शादी कर लीजिए। और वैसे भी हमें भी तो माँ की जरूरत है, और आपको एक बीवी की। लेकिन बेटा, लेकिन लेकिन कुछ नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता, बस आप दूसरी शादी करोगे बस। गौरव तू बात को समझ नहीं रहा है, मेरे दो बच्चे हैं, कौन तैयार होगी मुझसे शादी करने के लिए? और अगर कोई लड़की मान भी गई ना, तो क्या गारंटी है कि वो तुम दोनों को माँ का सुख देगी, माँ का प्यार देगी? हाँ पिताजी, हम उनसे इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि वो हमारे साथ कुछ गलत करेंगे ही नहीं, बस। नहीं बेटा, तू बहुत भोला है, तुझे नहीं पता आजकल की सौतेली माएं ना बच्चों पर कितना अत्याचार करती हैं, और मैं वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि कोई मेरे बच्चे को तकलीफ पहुंचाए। पिताजी ऐसा कुछ नहीं होगा, बस आप दूसरी शादी करो, मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, तुम दोनों जाके पढ़ाई करो, मैं सोचता हूँ कुछ। देखो सोचना बोचना कुछ नहीं है, हमें दूसरी माँ चाहिए। क्यों बोलती क्यों नहीं है तू? हाँ पिताजी कर लीजिए ना दूसरी शादी आप। ठीक है तुम अभी जाओ। इन दोनों ने ना जाने कैसी जिद पकड़ी है, अगर पूरी नहीं करूंगा तो दोनों नाराज हो जाएंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, सोचता हूं कुछ। क्या हुआ गौरव, क्यों परेशान हो रहा है? अरे दीदी तुम्हें तो पता है ना, आज मेरा बर्थडे है और पिताजी अभी तक घर पे नहीं आए हैं। तू परेशान क्यों होता है छोटे, आ जाएंगे। नहीं दीदी, पिताजी हर बार ही ऐसे करते हैं मेरे बर्थडे पर। मुझे तो लगता है कि इस बार भी पिताजी तेरे बर्थडे पर तेरा मनपसंद गिफ्ट नहीं दे पाएंगे। गौरव बेटा। पिताजी। क्या कहा तूने? तेरे पिता तेरे बर्थडे पर नहीं आएंगे? पागल है तू? हाँ मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन अपने बच्चे का जन्मदिन नहीं। और मेरा गिफ्ट, तेरा तोहफा। शांति,
अरे दीदी, घर तो बहुत बड़ा है, तुम्हें लगता बहुत अच्छा हाथ मारा है। चुप कर, ये कमीनापन अभी मत शुरू कर दिए। शांति, तेरी माँ, तेरा तोहफा। पिताजी, माँ तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन माँ के साथ ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी माँ का छोटा भाई है। तुम्हारी माँ के अलावा इसका भी दुनिया में और कोई नहीं था, तो इसीलिए ये सभी साथ ले आई। तुम्हारे मामा है ये। पिताजी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, अब माँ के साथ ये भी हमारे ही घर पे रहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। अब चलो ना अंदर, तेरा केक भी तो काटना है। नहीं पिताजी, केक तो अब मैं बाद में काटूंगा, पहले मैं अपने सारे दोस्तों को बता के आता हूँ कि मेरी माँ ही है। अरे बात तो सुन, ये भी ना माँ को देखकर बहुत खुश हो गया है। अरे नीतू बेटा, अभी माँ को अंदर लेकर चलो। आइए साले साहब, आप भी आइए। यह है हमारा छोटा सा गरीब खाना। मैंने अपने बच्चों के कहने से शांति से शादी कर तो ली, अब पता नहीं ये मेरे बच्चों का ध्यान रख पाएगी या नहीं। शायद ये मेरे बच्चों का ध्यान रख पाएगी, क्योंकि वो भी तो ऐसी ही थी। उसकी भी माँ बचपन में उसे छोड़कर चली गई थी, तो शायद ये मेरे बच्चों का दर्द समझ पाए, शायद उन्हें ये माँ का सुख दे पाए, वो प्यार दे पाए जो मेरे बच्चों को नहीं मिला। क्या हुआ? अरे शांति, तुम किससे बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, बस वो तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। शांति देखो, तुमसे शादी करने का फैसला मेरा अकेले का नहीं था। मतलब ये कि मेरे दोनों बच्चों की जिद थी कि मैं उन्हें माला कर दूं। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन फिर मैं तुमसे मिला तो लगा शायद तुम वही हो जो शायद मेरे बच्चों को माँ का प्यार दे सकती हो। शांति देखो, हम तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को माँ का वो हर प्यार देना जो वो चाहते हैं, क्योंकि मेरे बेटे को उसकी माँ तो बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। वो टूट जाएगा अगर तुमने उसे थोड़ा भी दुख दिया तो। अरे क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? शांति, तुम पर भरोसा है, तभी तो तुमसे शादी की है। मैं जानता हूँ कि तुमने भी कभी अपनी माँ का प्यार नहीं पाया। तुम भी बिल्कुल मेरे बच्चों जैसी हो, तो शायद उनका दुख, उनका दर्द तुम समझ पाओ, क्योंकि तुमने भी तो अपनी माँ का प्यार नहीं पाया था ना। हाँ, जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी माँ मेरे छोटे भाई को जन्म देते ही दुनिया से चल बसी। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे बच्चों को सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करूंगी। उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। क्या तुम्हें मुझ पर इतना तो भरोसा होगा ना? शांति, हमें ना तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है, बस हमारे विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम देखना, मैं तुम्हारे बच्चों को इतना प्यार दूंगी कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि नई माँ से इतना प्यार मिलेगा। ठीक है शांति, अब मैं काम पर चलता हूँ, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। सुनो, वो मुझे मेरे भाई के लिए 20,000 रुपये चाहिए थे। अरे कोई बात नहीं, वो सेफ में रखी है, तुम निकाल लेना। जितने पैसों की ज़रूरत हो तुम निकाल लेना, क्योंकि इस घर की मालकिन अब तुम हो। समझाई बात? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बहना, तेरे चतुर दिमाग का तो मैं भी तेरा फैन हो गया। वैसे ये सीधा साधा आदमी पहचान नहीं पाया तुझे कि तू कितनी बड़ी नागिन है। देखता जा, आगे आगे करती क्या हूँ।
अभी तो खेल स्टार्ट हुआ है। चलो अच्छा बहना, तूने तो आते ही अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। तिजोरी की चाबी भी तेरे हाथ में और पैसे भी। रंग तो मैंने दिखा दिया, लेकिन बस एक काम रह रहा है जिसे उसके अंजाम तक पहुंचाना है। वो क्या? उन दोनों नमूनों को ठिकाने लगाना। ये तो तूने सही कहा, तभी हमारी जमीन नाम में हो सकती है। हाँ ये तो तू सही बोल रहा है, लेकिन एक काम और है जो उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना है। वो क्या? वो यही, उन दोनों नमूनों को ठिकाने लगाना। क्योंकि मैं जानती हूँ जब तक वो दोनों इस घर से नहीं निकलेंगे ना, तब तक ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं होगी। और जब वो दोनों नमूने निकल जाएंगे ना इस घर से, तो बुढ़ा तो खुद ही सदमे के मारे मर जाएगा, और उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी की मालकिन होंगी मैं। अरे वाह बहन, क्या दिमाग चलाया तूने। अब तू एक काम कर, वो छजुंदर ना ऊपर खड़ा है, उसे भगाने का प्लान लेना। ठीक है, वो काम तो मैं करती हूँ। पकड़ ये पैसे रख इतने। तू मानना पड़ेगा बहन के दिमाग को, क्या दिमाग चलाती है यार। ओए मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश की ना, तो तेरे बाप को ऐसे केस में अंदर डालूंगी कभी निकल ही नहीं पाएगा वो। क्या हुआ माँ, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या जो आप मुझसे ऐसे बात कर रही हो? हाँ तुझसे गलती हुई है, और अगर तू चाहता है ना कि तेरा बाप सही सलामत रहे, तो मेरी बात सुन ले और चुपचाप ना अपनी उस बहन को लेके इस घर से रफू चक्कर हो जा। माँ आप क्या बोल रही हो, फिर तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ये मतलब ऐसा कैसे बोल सकती हो? चुप कर, मैं तेरी भाषण नहीं सुन रही हूँ यहाँ पर। जो मैं बोल रही हूँ उस चीज पे ध्यान दे, अपने बाप को चाहता है ना बचाना। लेकिन मेरे पिताजी ने तो कुछ किया भी नहीं है। हाँ मुझे पता है तेरे बाप ने कुछ नहीं किया, फिर भी तेरे बाप को ना ऐसे केस में अंदर डालूंगी ना कि कभी जिंदगी में वो जेल से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। लेकिन माँ आप ये सब क्यों कर रही हो? प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी के लिए? अरे माँ जो आप ये सब कर रही हो ये ज्यादा बकवास मत कर, कभी ज्यादा ज्ञान बांट रहे हो यहाँ पर। चुपचाप अपनी बहन को ले और निकल यहाँ से, अगर चाहता है तो कि तेरा बाप सही सलामत रहे। सुन मेरी बात, एक मिनट में या तो तू यहाँ से चला जा, वरना फिर मैं जा रही हूँ थाने। नहीं माँ आप कहीं नहीं जाओगी, ठीक है मैं इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। तो निकल ना, चल निकल। लेकिन आप मुझसे वादा करो, मेरे और मेरी बहन के इस घर से जाने के बाद आप पिताजी से कभी नहीं लड़ोगी, उनसे कभी भी गलत तरीके से बात नहीं करोगी, हमेशा उनके साथ प्यार से रहोगी, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी तो आप ही की है। हाँ हाँ बस कर अब, चल निकल। अब हम इस घर में नहीं रह सकते, हमें अपने घर को छोड़ना होगा। हमें अपने घर को छोड़ना होगा? लेकिन क्यों, ये तो हमारा ही घर है। हमारा घर था, लेकिन अब ये हमारा घर नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, तुम अभी मेरे साथ चलो बस। जल्दी कर ले जल्दी। चल अब घर चल।
अरे महावीर ताऊ, कैसे हाल हैं? अरे बढ़िया बेटा, कैसा है? बस बढ़िया ताऊ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बेटा ऐसा भी क्या किया है मैंने? ताऊ पहले थोड़ी बहुत जानकारी तो ले लेते। किस बारे में? अरे किस लड़की से शादी करी है तुमने, जानते हो उसके बारे में कौन है वो? बेटा अच्छी तो है। अच्छी ना है ताऊ, वो ना जाने दिन में पता नहीं कितने लड़कों को फांसती है। ठीक है, अपना शिकार ढूंढती है वो लड़के फांसने के लिए। कैसी बातें कर रहा है तू? ताऊ मैं सही बोल रहा हूँ, देखो वो आई है तुम्हारी प्रॉपर्टी के चक्कर में। मेरी प्रॉपर्टी के चक्कर में? हाँ, और उसके साथ जो घूम रहा है ना उसका बॉयफ्रेंड है वो। लेकिन उसने तो वो अपना भाई बताया था। ताऊ वो सबके साथ ऐसा ही करती है, वो भाई बता के घरों में बढ़ जाती है फिर उन्हें लूट लेती है। उससे बच लो, मैं पहले बता रहा हूँ, जाके घर चले जाओ, देख लो। चल भी। क्या हुआ है बच्चों, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे गौरव नीतू, हुआ क्या है बेटा, बताओ ना मुझे, तुम रो क्यों रहे हो और इस तरह से तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ पिताजी, आप माँ के साथ खुश रहना, चलो नीतू। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं सब कुछ समझ गया हूँ कि आखिर बात क्या है। शांति शांति, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अरे काली नागिन, हाँ अरे कितनी बदतमीज औरत है तू। हाँ इतना प्यार दिया मैंने तुझे, अपनी पत्नी बनाकर, इन बच्चों की माँ बनाकर तुझे इस घर में लेकर आया, कि तूने अपनी औकात दिखा दी ना। अरे आखिर बात क्या है और कुछ बताओगे मुझे? ये बच्चे इस तरह से रो के कहाँ जा रहे हैं? हाँ तूने घर से बाहर निकाला नहीं, बोलती क्यों नहीं है? जीजू एकदम चुप, राम सादे तुम दोनों की सच्चाई ना मैं जान चुका हूँ। वो तो भला उस लड़के का, उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया मुझे ना, ये तुम्हारा घिनौना चेहरा ना मेरे सामने कभी नहीं आता। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूं, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। मेरी बात तो सुनो। बस बस बहुत हुआ, मैं तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरे ये हाथ तुम्हारे गंदे जिस्म को छुए। तुझसे बोला ना मैंने, निकल जाओ वरना हराम साधे पुलिस के हवाले कर दूंगा, चल निकल यहां से। पिताजी मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने ही माँ की जिद की थी। मेरे बच्चे, अब हमें कोई माँ नहीं चाहिए, हमारी माँ और पिता बस आप ही हो, हमारे लिए आप ही सब कुछ हो पिताजी।